जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और यहाँ देखिए, मैं नहा धो करके रेडी होकर बैठ चुकी हूँ और बस भाभी का इंतज़ार हो रहा है। और भाभी पहली बार आई हैं ना, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और मेरा ना पूरा ब्लॉग देखिएगा, मिस मत करिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ इसमें देखने को मिलेगा। मैं आपको पूरा दर्शन करवाऊँगी और जिनसे मैं नहीं मिली कभी, उनसे भी मिल पाई मैं यहाँ पे आके। और यहाँ देखिए भाभी तैयार होकर के आ गई हैं और हम लोग ना तैयार होके आ चुके हैं और बस जा रहे हैं हम लोग दर्शन के लिए। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ हम लोग आ गए हैं तोरण द्वार पे। यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ ना ढोल के साथ बहुत डांस होते हैं, नाच होते हैं और बाबा से मिलने की एक अलग ही खुशी होती है। तोरण द्वार पर पहुंचते ही आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, चाहे आप कितने थके हुए हों, लेकिन ये लगता है ना कि बस हमारी मंजिल अब पास में आ गई, सारी थकावट वहीं से दूर हो जाती है। तो चलिए चलते हैं अंदर अब दर्शन के लिए। नीलम के गालन में लगा दी हूँ और यहाँ हम लोग खरीद रहे हैं प्रसाद। फूल हम लोगों ने पहले खरीद लिए हैं क्योंकि फूल तो गुलाब का बहुत जरूरी है, बाबा को बहुत पसंद है। हम लोगों ने सारा सामान ले लिया है, प्रसाद वगैरह। अब हम लोग जा रहे हैं बस लाइन में अपने लगने, क्योंकि बस थोड़ी देर का इंतज़ार है तो बाबा से मुलाकात ज़रूर होगी हमारी। तो चलिए चलते हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। और यहाँ हम लोग लाइन में लग चुके हैं और भवन्ना पूरा जयकारों के साथ गूंज रहा है। सच में बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आके, तो कुछ पूछिए ही मत। और भैया ने ना शिवांशी को ना अपने कंधों पे बैठा लिया है क्योंकि वो छोटी है, नीचे तो चलेगी कैसे, वरना चलती तो खूब है। तो भैया ना उसको अपने कंधे पे ही पूरे दर्शन है ना शिवांशी को, भैया ने अपने कंधों में बैठा कर ही करवाए। और उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था, चुपचाप बैठी हुई थी कंधे में, देखिए कैसे चिपक के बैठी है, उसने नीचे उतरने का नाम ही नहीं लिया। आगे आगे शिवांशी भैया, बीच में भाभी, पीछे मैं चल रही थी। बहुत ज़्यादा खुश है शिवांशी, ऊपर बैठे बैठे डांस भी कर रही थी वो। दर्शन हमारे हो चुके हैं और अब हम आ गए हैं श्याम कुंड। यहाँ हमारे दर्शन हो रहे हैं और यहाँ देखिए कितना शिवांशी डांस कर रही है। भैया अपने उसको ऊपर उठा लेते हैं, मतलब कहीं कंधे में बैठा लेते हैं। और अब हम लोग आ गए हैं श्याम कुंड, तो आप लोग भी श्याम कुंड के दर्शन कर लीजिए। और दर्शन वर्ष करने के बाद में और अब यहाँ हो रही है खरीदारी, वही पूजा का सामान भाभी भी ले रही हैं, मैं भी ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने ली है लड्डू गोपाल जी के मच्छरदानी, क्योंकि मेरे पास
बेड वगैरह सब कुछ है, लेकिन मच्छरदानी नहीं थी, तो बस मैं वही ले रही हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए। यहाँ ना सारा सामान मिल जाता है पूजा का, आप कुछ भी ले लीजिए। और ख़रीदारी करते ही मुझे एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिनके लिए मैं बहुत दिनों से परेशान थी मिलने के लिए, आज वो भी मुझे मिल गई। ये श्याम बाबा के दर्शन हर बार करवाती हैं, जय श्री श्याम श्री श्याम, और इन्हीं के माध्यम से मैं भी दर्शन करती। वैसे तो मैं कोशिश करती हर बार आने के, लेकिन दीदी ऐसे ही जो लाइव दर्शन करवा रही हैं, आप सबको जीवन भर घर से बुलाए और दर्शन देता रहे। और सच में उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बाबा की बहुत ही क्या कहें अटूट भक्त हैं, और बाबा का निशान हमेशा चढ़ाती हैं, कभी नहीं चूकता उनसे। और इसके बाद में हम लोग खरीद रहे हैं खिलौने शिवांशी के लिए, गोलू के लिए, अभिषेक के लिए, सबके लिए हम लोग यहाँ से ले रहे हैं खिलौने। और इसके बाद में यहाँ देख रहे हैं भाभी अपने लिए कंगन। यहाँ ना लाख के बहुत अच्छे अच्छे कंगन मिलते हैं, आप कैसे भी ले लीजिए, बहुत सुंदर मिलते हैं। तो बस वही देख रहे थे हम और भाभी। और शिवांशी ने देखिए क्या खिलौना पसंद किया है, गोलू ने अपने लिए ट्रैक्टर खरीदा, तो बोल रही थी मुझे भी चाहिए ट्रैक्टर, मुझे भी लेना मम्मा, तो उसने ट्रैक्टर ही खरीदा है, उसके पीछे डॉगी बैठा लिया है। किसको प्यार करना चाहती हो? हाँ कर लो प्यार, बस बस मार ना दे। और शिवांशी को एक बहुत क्यूट सा बच्चा बैठा था, शिवांशी उसे कितने अच्छे से खिला रही है, सच में बहुत ज्यादा खुश है वो खिला करके। खिला कैसे रही है? खिला रही है। आया रानी चप्पल कौन लाया है ये देखे? अरे वाह, दिखाना खड़ी हो गए। ओले वाह, ये बता पहले कौन लाया ये आपकी चप्पल? और फिर हम लोग आ गए हैं शाम को यहाँ तोरण द्वार पे फिर से वापस। बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम में, तो बस यहाँ हम लोग घूम रहे हैं और बैठे हुए हैं। और शिवांशी की ड्रेस चेंज कर ली थी क्योंकि ये बहुत गंदा कर लेती है खेल खेल के। नाच अपने हाथ से, नाच अपने से, डांस देखिए बिंदास होकर डांस कर रही है शिवांशी। यहाँ ढोल बज रहे हैं ना, तो उसी में डांस कर रही है। और जिनसे मैंने सुबह आपको मिलवाया था ना, देखिए अब शाम का 7 बजे का टाइम हो रहा है, देखिए वो निशान लेके आई हैं और किस तरीके से झूमते हुए जाती हैं, सच में सब बाबा की माया है। तो ये वही दीदी हैं जिनसे मैंने आपको मिलवाया था, और ये ना दर्शन लाइव करवाती हैं, और हर बार मतलब इनके माध्यम से हम नहीं आ पाते ना, तो भी हमें दर्शन मिल जाते हैं। चलो और अब हो रहा है सुबह का 5 बजे का टाइम, और वहाँ से हम लोग रात में 8 बजे निकल आए थे, और यहाँ सुबह हम लोग 5 बजे उतर चुके हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं रिक्शे से अपने घर। और वहाँ से आने का तो मन ही नहीं करता, लेकिन घर तो आना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा? थोड़ा सा भी अच्छा लगा वो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक तो ज़रूर ही बनता है। और न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस कोई मिस ना हो, यूं ही आप तक पहुंचते रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।